यूक्रेन जंग छिड़े एक साल हो चुका है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति के यूक्रेन यात्रा को युद्ध में नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है। अब या तो जंग रुक जाएगी या फिर और भयानक जंग होगी, शायद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। तब दुनिया तीन खाकों में बट जाएगी। एक तरफ अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे तो दूसरी तरफ नया धड़ा उभरेगा। 90 के दशक से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन टूटकर आजाद देश बन गया। इसके बाद भी लंबे समय तक ये अप्रत्यक्ष ढंग से ही रूसी दखल झेलता रहा। रूस अलग होकर भी मजबूत था, लेकिन यूक्रेन में गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ने लगी। इसी बात पर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों में घुलने मिलने लगा। यहाँ तक कि सैन्य मामलों में भी वो आजाद होने लगा। रूस इस बात पर परेशान तो हुआ, लेकिन दोनों देशों का तनाव खुलकर तब आया जब यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल करने की अपील की। नाटो, जिसमें रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी शामिल है, ये संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाए तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे। इसी बात ने रूस की सरकार को गुस्सा दिला दिया। उसने साल 2021 के आखिर में ही यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए और 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला ही कर दिया। तब से युद्ध चल रहा है। अलग अलग सोर्स के मुताबिक यूक्रेनियन सेना के अलावा अब तक 7,000 से ज्यादा आम नागरिक भी मारे गए हैं। लगभग 7 मिलियन लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। देश के लगभग हर शहर में युद्ध के चलते नौकरियां कम हुई और महंगाई बढ़ चुकी है। यहां तक कि भागे और डरे हुए नागरिक तस्करी का शिकार तक हो रहे हैं। रूस के बारे में खुलकर कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां भी हाल खास अच्छे नहीं होंगे। जल्दी युद्ध विराम ना हो तो दोनों देशों की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और चाहे अनचाहे हर कोई युद्ध का हिस्सा होगा। कुछ देश रूस का साथ देंगे, कुछ अमेरिका की तरफ खड़े होंगे और वहीं एक तीसरा पाला भी होगा। इसमें कुछ ऐसे देश शामिल होंगे जिनका दोनों ही खेमों से कुछ ना कुछ वास्ता है, जो जंग नहीं चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे। इनमें भारत भी हो सकता है।